नमस्कार, पनीर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एयर फ्राइड चाइनीज़ पकौड़ा। ये इंडो चाइनीज़ फ्यूजन स्ट्रीट फूड है जो कि वेजिटेबल और चाइनीज़ सॉस का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये ट्रेडिशनली डीप फ्राइड किया जाता है, पर आप इसे एयर फ्रायर में बहुत कम तेल में फ्राई कर सकते हैं। चाइनीज़ पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के लिए चाहिए 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा प्याज, 4 बड़े चम्मच रिफाइंड फ्लोर मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून तेल और तेल ब्रश करने के लिए, 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, 1/2 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पर देगी मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, 1/4 चम्मच काला मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार और 2 पिंच लाल रंग का फूड कलर। आप इसको ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। का मिक्सर बनाने से पहले हम अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेते हैं। एयर फ्रायर को 180 डिग्री पर 3 मिनट के लिए हम प्री हीट कर लेंगे। जब तक ये प्री हीट होगा हम अपना मिक्सर तैयार करते हैं। एक हम बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें अपने सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे। ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये शेजवान सॉस। और थोड़ा सा नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि ये जो शेजवान सॉस होता है इसमें भी नमक होता है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये सारी वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे राइस फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। बेसन, लाल मिर्च पाउडर, काला मिर्च पाउडर और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये मिक्सचर बहुत ड्राई लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम पानी ऐड नहीं करना है, 1 टेबल स्पून से पानी ऐड करिए। जैसे 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो फूड कलर है ये डाल देंगे। आप
टेबलस्पून पानी हम और ऐड करेंगे। इतना मिक्सचर बनाने के लिए हमने एक और आधा टेबलस्पून पानी का प्रयोग किया है। हमारा पकौड़े बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो गया है। अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बास्केट को ब्रश कर लेंगे जिससे ये पकौड़े जो हैं इसमें स्टिक ना हो जाएं। और अब हम छोटे छोटे पकौड़े इसमें बनाकर डालते हैं इस तरह से। और अब इसको हम 180 डिग्री पर पहले 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसको ऑयल से ब्रश कर देंगे। और इनको 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए फिर से एयर फ्राई कर लेंगे। देखिए पकौड़े जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं, कि बहुत ही अच्छा कलर आया है और देखने में भी काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए इतने, और ये इतने मिक्सचर के पकौड़े दो बैच में आपके फ्राई हो जाएंगे। अब इनको किसी डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एयर फ्राइड चाइनीज़ पकौड़ा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और स्पाइसी होता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं और मॉइस्ट भी हैं। ये देखिए आप इनको गर्मा गर्म टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी या शोजन सॉस के साथ सर्व करें। आप इन्हें बनाइए और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।